हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में संसाधन दुर्लभता प्राकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध है, इन प्राकृतिक संसाधनों में किसी कारणवश कभी कभी प्राकृतिक दृष्टि से, भू राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या पर्यावरणीय दृष्टि से दुर्लभता की स्थिति बन जाती है, यानी ये मिलने बंद हो जाते हैं, प्राप्त होने बंद हो जाते हैं, या ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसको प्राप्त करना, दोहन करना, हासिल करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी दुर्लभता क्यों बनती है, इसके लिए क्या कारण है? तो सबसे पहले यदि इन दुर्लभता की बात करें तो इन दुर्लभता की कंडीशन के अंदर संसाधन असीम है, क्योंकि वह होते नहीं है, मानव मस्तिष्क और संज्ञान के द्वारा बनते हैं। संसाधन है वो मानव अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी तकनीकी के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संयोग से बनाता है। तो संसाधन एक तो मानव मस्तिष्क और संज्ञान के द्वारा बनते हैं, और प्राविधिक प्रगति के साथ किसी भी वस्तु या कारक या दशा का संसाधन के रूप में महत्व है, वो बढ़ता घटता रहता है। इस अर्थ में संसाधन कभी दुर्लभ नहीं हो सकते हैं, परंतु सीमित अवधि में विभिन्न परिस्थितियां ऐसी बनती है जिसे किसी प्रदेश या समाज विशेष के लिए किसी संसाधन विशेष, जैसे पेट्रोल है, ये पेट्रोलियम पदार्थ है, दुर्लभ बना सकती है। यानी संसाधन हमेशा असीम रहते हैं और मानव अपने मस्तिष्क और ज्ञान के द्वारा इनको बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बढ़ जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे संसाधनों के मध्य दुर्लभता स्थिति पहुंच जाती है। उनके लिए सबसे मुख्य यानी कि आधार है, यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो प्राकृतिक दृष्टि से संसाधन है वो कभी कभी दुर्लभ हो जाते हैं। जैसे अल्प अवधि में किसी खनिज या ऊर्जा का स्रोत, जैसे पेट्रोलियम है, के पर्याप्त भंडार हो सकते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे भारत में मुंबई हाई में उत्पादन यानी कि घट जाने से कुल उत्पादन में विगत कुछ वर्षों में कमी आई है, जबकि मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उसी प्रकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष भूमि में फसल उत्पादन की क्षमता में भी कमी आई है। तो जीवीय संसाधन है जैसे मत्स्य, दूसरा उदाहरण है कि जीवीय संसाधन जैसे मत्स्य है, उनकी भी पुनर्जनन जो क्षमता है उससे अधिक उनका आहार और दोहन होने लगता है, जिससे वह अभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक प्राकृतिक जो संसाधन हमारे पास में हैं, उनमें से कई संसाधन ऐसे हैं वो समाप्य है, मतलब एक बार उसका उपयोग करने के बाद में वह समाप्त हो जाते हैं, उसका आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं या उसको पुनः उपयोग के तौर पर नहीं ला सकते हैं। इसमें समाप्य संसाधन के अंदर कौन कौन से संसाधन आते हैं? समाप्य संसाधन में जैसे खनिज तेल है, कोयला एवं प्राकृतिक गैस, ये ऐसे संसाधन हैं जो अधिक दोहन करने से समाप्त होने का खतरा रहता है, और कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, दुर्लभ भी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। लेकिन अभी इसमें उत्पादन कम होने लगा है, भंडार कम होने लगे हैं, और मांग है वो जनसंख्या बढ़ने की वजह से इसकी मांग तीव्र होती जा रही है। तो यहाँ मुंबई हाई के अंदर जो
तेल खनिज तेल के भंडार थे वो असीमित थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गए, सीमित हो गए हैं, उत्पादन बहुत कम हो गया है। तो ये इनकी क्या होगी, एक तरह की दुर्लभता स्थिति बन जाती है। ऐसा ही जैसे मत्स्य संसाधन है, मत्स्य पालन है, जितना मत्स्य पालन होता है उससे अधिक उनका क्या हो जाता है, दोहन हो जाता है, आहार और दोहन हो जाता है। और इस स्थिति में आहरण और दोहन इसकी पुनर्जनन क्षमता से जितनी मछलियाँ उत्पादित होती है उससे ज़्यादा होता है तो ये संसाधन क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसका अत्यधिक दोहन होने की वजह से जितनी उसके पर्याप्त भंडार है या उसकी उत्पादन क्षमता है उससे अधिक दोहन होता है, उसकी अधिक मांग होती है, और आपूर्ति और मांग में अंतर आने के कारण संसाधनों प्राकृतिक रूप से भी संसाधनों में दुर्लभता बन जाती है। जैसे प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस के लिए अभी एक परियोजना बनी है, तापी परियोजना। तापी परियोजना, ये तापी परियोजना है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में बनी है। अर्थात अबका तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से प्राकृतिक जो गैस है उसकी सप्लाई पाकिस्तान और भारत में होनी है, लेकिन पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आपूर्ति भारत में नहीं हो रही है। और यदि भारत के अंदर इस प्रकार प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ती गई, बढ़ती जनसंख्या बढ़ती मांग के लिए आधार बनती है, तो प्राकृतिक जो गैस है इसकी मांग बढ़ती गई तो ये धीरे धीरे संसाधन क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। किसी क्षेत्र के अंदर संसाधन मिलना है, अब वो दुर्लभ है। जैसे एक उदाहरण कोयले का ले लेते हैं कि जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र था रूहर नदी से, यानी नदी घाटी है। तो जर्मनी की रूहर नदी घाटी क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वर्तमान में इसके भंडार लगभग सीमित हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, अत्यधिक दोहन से सीमित हो गए हैं। तो वहाँ कोयला यानी कि कैसी स्थिति में पहुँच गया है, दुर्लभ की स्थिति में पहुँच गया है। तो संसाधन की जो दुर्लभ की प्राकल्पना है, इसमें जो दुर्लभता है वो प्राकृतिक रूप से भी आ सकती है, और दूसरा है कि भू राजनीतिक की वजह से भी संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं, मिलने दुर्लभ हो सकते हैं। कैसे, जैसे विभिन्न देशों के मध्य परस्पर कटुता या शत्रुता के कारण किसी भी पदार्थ के निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगा देने से अभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्राय खनिज पदार्थ पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बांग्लादेश भारत को प्राकृतिक गैस बेचने के लिए तैयार नहीं है, अथवा पाकिस्तान होते हुए ईरान से गैस के पाइपलाइन का प्रस्ताव अभी भी लटका हुआ है, और पाकिस्तान में भारत से अनेक वस्तुओं का आयात यानी कि प्रतिबंधित है, क्योंकि पाकिस्तान विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत भारत को MFN का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल के कारण अनेक देशों के मध्य जो व्यापार संबंध है वो विच्छिन्न हो सकते हैं। देश विभाजन के कारण सस्ते पदार्थ के जो स्रोत विदेशी बन सकते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी जर्मनी का जो सस्ता कोयला था वो पश्चिमी जर्मनी के लिए एकीकरण से पूर्व क्या था, एक दुर्लभ वस्तु था। 1947 में भारत का विभाजन हो जाने के पश्चात भारत का कोयला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कपास और जूट भारत के लिए दुर्लभ हो गई। तो इस प्रकार दुर्लभता की स्थिति है वो राजनीतिक उथल पुथल से हो सकती है, भू राजनीतिक उथल पुथल से हो सकती है। वर्तमान समय के अंदर प्रत्येक देश है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर निर्यात और आयात करता है, और यदि उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है तो आयात और निर्यात पर यानी कि प्रतिबंध लगते हैं, जिससे उस देश के एक देश के अंदर जो उत्पादित वस्तु है वो दूसरे देश के अंदर मिलना क्या हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है।
उदाहरण के तौर पर अभी है वो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के मध्य ट्रेड वॉर चल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेड वॉर चल रहा है। बहुत सारे चीन से आयातित होने वाली वस्तुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध लगा लिया है। और बहुत सारी संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली जो चीन आयात करता है उस पर चीन ने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा लिया है। तो ये जो प्रतिबंध लगाने की होड़ है इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर चीन से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें दुर्लभता की स्थिति बन गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो चीन में मिलती है वस्तुएं उनकी दुर्लभता चीन में हो गई है। तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है यदि दो राष्ट्रों के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण प्रबंधन विभिन्न नीतियों नियमों की पालना करने के लिए विश्व स्तर पर एक WTO का गठन किया गया है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार जो संगठन है ये जनवरी 1995 के अंदर आया था। गेट के स्थान पर WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस विश्व व्यापार संगठन के कुछ नियम हैं जिसमें प्रत्येक देश को पालना जरूरी होता है और इस इसी विश्व व्यापार संगठन के नियमों नीतियों और कानून के तहत एक देश दूसरे देश को वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ देशों के मध्य ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे विभिन्न प्रतिबंध लग जाते हैं, इनके नियमों की पालना नहीं करते हैं जिससे कहीं वस्तुएँ दुर्लभ हो जाती है। कहीं जैसे देश का विभाजन होता है तब भी स्थिति बन जाती है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाक का विभाजन जो 1947 के अंदर हुआ तो भारत के अंदर जितना भी यानी कि कोयला मिलता था ये कोयला पाकिस्तान में जाना बंद हो गया। पाकिस्तान के लिए कोयला क्या वस्तु बन गई, दुर्लभ। पाकिस्तान ये दुर्लभ वस्तु बन गई। और पाकिस्तान में जो कपास थी, कपास इसका भारत में यानी कि सप्लाई बंद हो गई तो भारत के लिए क्या हो गई, ये दुर्लभ वस्तु हो गई। तो इस प्रकार भू राजनीतिक उथल पुथल की वजह से, दो देशों के मध्य विभाजन की वजह से कई बार बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें दुर्लभता की स्थिति बन जाती है। और तीसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारणों की वजह से भी संसाधनों में दुर्लभता की स्थिति बन जाती है। किसी पदार्थ की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक होने पर उनकी कीमत इतनी ऊंची हो सकती है कि निर्धन जो देश है या कोई प्रदेश के लिए वहनीय नहीं रहे तो ऐसी दशा में वह संसाधन दुर्लभ हो जाएगा। पेट्रोलियम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे 2003 की अपेक्षा 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पेट्रोलियम की कीमतें 3 गुनी हो गई। इससे भारत व अन्य पेट्रोलियम विहीन विकासशील देशों के लिए ये संसाधन है वो दुर्लभ कोटि में आ गया। तो कई बार यानी कि आर्थिक दृष्टि से यदि उसके अंदर आपूर्ति से मांग ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम और मांग बढ़ती है तो उस संसाधन उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उनकी इतनी कीमत बढ़ जाती है कि उनके लिए एक प्रकार की यानी कि वह वस्तु है वो दुर्लभ बन जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का भारत है वो लगभग 80% है वो विदेशों से आयात करता है, 80% विदेशों से आयात करता है। और यदि विदेशी बाज़ारों के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती है तो भारत के लिए उसको खरीदना एक दुर्लभ बन जाता है। ऐसी दशा में संपन्न देश ऊंची कीमत पर पदार्थ विशेष का क्रय करके विपन्न जो देशों की समस्या को बढ़ा देते हैं और परिणाम स्वरूप संसाधन उपयोग का प्रतिरूप भी विकृत हो जाता है, अब उसका उपयोग है वो भी बदल जाता है। और चौथा जो कारण है कि दुर्लभता पर्यावरणीय दृष्टि से भी आती है।
संसाधनों के मध्य जो दुर्लभता है वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी आती है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन से जैव भू रसायन चक्रों में अक्षय दबाव पड़ सकता है। यदि ज़्यादा अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों के मध्य अति दोहन किया गया तो जैव भू रसायन है चक्र है जिसमें कार्बन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इनके मध्य क्या आ जाता है, असंतुलन अक्षय की स्थिति बनती है, दबाव पड़ता है। इन चक्रों के भंग हो जाने से दीर्घावधि संसाधन है वो दुर्लभ स्थिति में पहुंच जाते हैं और हरित गृह गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो रही है और मानव जीवन संकटग्रस्त होने की आशंका है। प्रदूषण बढ़ जाने से शुद्ध पेयजल का आसन्न संकट पहुंच जाता है, यानी प्रदूषण बढ़ जाने से शुद्ध पेयजल है वो यानी कि आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसके लिए एक संकट मंडरा रहता है, जैव विविधता में विलुप्तता आ जाती है और आदि। इसके अलावा वृद्धिमान संसाधन भी दुर्लभता के लक्षण में पहुंच जाते हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टि से यदि इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या है वो क्या बढ़ाता है, मांग में वृद्धि। अब ये वृद्धि प्राकृतिक दृष्टि से मानव की आवश्यकता के अनुसार वृद्धि बढ़ती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसकी मांग के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि होती जाती है और अत्यधिक मांग के वृद्धि की वजह से संसाधनों की आपूर्ति होती है। इन आपूर्ति और संसाधनों के अत्यधिक दोहन की वजह से पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है जिसमें जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, बहुत सारे ऐसे यानी कि जैव भू रसायन जो चक्र है वो प्रभावित हो जाते हैं, जैव विविधता प्रभावित हो जा सकती है जिसकी वजह से प्राकृतिक जो संसाधनों या संसाधन बनाने के लिए कच्चा माल है वो कच्चा माल मिलना दुर्लभ हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे जो संसाधन हैं जो प्राकृतिक दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, जीवीय दृष्टि से, वनस्पति हो या जीव जंतुओं से संबंधित हो उन वो के लिए यानी जीवीय संसाधन या वनस्पति जैसे संसाधन के लिए एक दुर्लभता की स्थिति बन जाती है। तो संसाधन दुर्लभ क्यों होते हैं, ये प्राकृतिक दृष्टि से हो सकते हैं, भू राजनीतिक दृष्टि से हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हो सकते हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से भी संसाधन में दुर्लभता आ सकती है, यानी वो कम मिलने लगते हैं या मांग अधिक रहती है और आपूर्ति कम होती है जिसको अपन संसाधन दुर्लभता कहते हैं। अब संसाधन पारिस्थितिकी है, रिसोर्सेस यानी इकोलॉजी, संसाधन पारिस्थितिकी है क्योंकि संसाधनों का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा अपने विभिन्न ज्ञान और तकनीकी के सहारे किसी भी भौतिक पदार्थ या तत्व में परिणित करके कर सकता है, यानी मानव के द्वारा ही संसाधन का निर्माण होता है जिसमें वह विभिन्न भौतिक पदार्थ या तत्वों को परिणित करके एक संसाधन के रूप में निर्माण करता है। और संसाधन का मूल स्रोत है वो भौगोलिक वातावरण है जो एक जटिल तंत्र और समिष्ट है। इसके अंतर्गत कई उपतंत्र भी समाहित है जो यानी कि छोटी से लेकर बड़ी विशिष्ट इकाइयों या किसी व्यवस्था के मध्य परस्पर रूप से आबद्ध होते हैं। इसमें परस्पर अनुक्रिया भी होती रहती है। इन तंत्रों और उपतंत्रों का परस्पर संबंध विभिन्न जटिल जैव भू रासायनिक
चक्रों के द्वारा स्थापित होता है। इन चक्रों में जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र विशेष उल्लेखनीय हैं। ये चक्र ऊर्जा प्रवाह के द्वारा नियमित एवं संचालित होते रहते हैं। इन चक्रों के द्वारा भूगर्भ से लेकर वायुमंडल तक व्याप्त जीव मंडल के सभी तत्व परस्पर संग्रहित रहते हैं और इन चक्रों तथा उनके मध्य ऊर्जा प्रवाह के द्वारा चट्टानों से मिट्टी, खनिजों का निर्माण होता है और मिट्टी से प्राप्त खनिज तत्वों या जल संचरण के संयोग से उत्पन्न पौधों के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वभक्षी जीवों का अस्तित्व निर्भर है। मानव समाज और उसकी संस्कृति तंत्र भी इसी व्रत तंत्र का एक अभिन्न अंग है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र संसाधन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंदर बहुत सारे मुख्य तत्व और उप तंत्र होते हैं। मुख्य पारिस्थितिकी मुख्य तंत्र और इसके संयोगी क्या होते हैं? उप तंत्र होते हैं। ये मुख्य तंत्र और उप तंत्र विभिन्न चक्रों के माध्यम से, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से, जैसे कार्बन चक्र है, जल चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन विभिन्न चक्रों के माध्यम से चट्टानों से, विभिन्न चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानें टूटती है इन चक्रों के माध्यम से और क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी पर ही यानी कि विभिन्न प्रकार की कृषि और वनस्पति का आवरण होता है और कृषि और वनस्पति से ही शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वहारी जीव है वो निर्भर करते हैं। और मानव की जो सांस्कृतिक क्रिया तंत्र है वो भी कार्बन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र, ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है, इन क्रिया से उत्पन्न होने वाले खनिज और मिट्टी है, इन पर विभिन्न वनस्पति और जीव जंतुओं के मध्य जो पारस्परिक संबंध है, इन पारस्परिक संबंधों से ही मानव का सांस्कृतिक तंत्र है वो निर्भर करता है। तो संसाधन के लिए पारिस्थितिकी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी वजह से ही विभिन्न तरह के संसाधनों का निर्माण होता है। विभिन्न तरह के जो संसाधन निर्मित होने वाले कच्चे माल है वो उपलब्ध होते हैं। यदि पारिस्थितिकी तंत्र विफल हो जाता है तो कहीं जीवों के लिए भोजन का संकट उत्पन्न हो जाता है।